गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है रिवीजन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर्किल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। आपको जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं उनको सर्कल करना है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि जो नाउन होती है उसका क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव का डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है हमें, ठीक है। तो जो मतलब उसकी क्या विशेषता है या कुछ उसमें स्पेशल क्या है, तो वो चीज़ होती है डिस्क्राइबिंग वर्ड। द स्काई इज ब्लू, तो स्काई जो है वो हो गया एक तरीके से नाउन, तो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया ब्लू। तो ब्लू पे आपको सर्कल लगाना है। द बस इज ब्लैक, तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया, उस पर सर्कल लगाना है। शी इज वियरिंग अ रेड स्कर्ट। दोज बैग्स आर हैवी, और रैबिट हैज लॉन्ग ईयर्स। तो इसमें आपको डिस्क्राइबिंग जो वर्ड्स है उन्हीं पे आपको सर्कल लगाना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 10, 11 या 12? स्टंप के पीछे खिलाड़ी को, खड़े खिलाड़ी को क्या कहते हैं, बल्लेबाज, विकेट कीपर या गेंदबाज? क्रिकेट मैच में कितनी टीमें होती हैं, 3, 4 या 2? ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौका किसे कहते हैं, छक्का किसे कहते हैं, गेंद को पकड़ने के लिए कौन दौड़ता है? इनके आपको आंसर्स लिखने हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 43 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखना है। 26 मल्टीप्लाई 0, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखना है। सारा इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे क्या है, जैसे द किटन इज, हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना मैंने समझाया आपको कि जब भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ER का यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लो मैन इज टॉल, तो मैन टॉल है, बट अगर उसका किसी से कंपैरिजन हो गया तो उसमें हम टॉल की जगह टॉलर का यूज़ करेंगे। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो द किटन इज डैश देन द कैट, स्मॉल आ गया, स्मॉलर आएगा, तो यहाँ पर स्मॉलर आएगा। तो जब भी किसी से कंपैरिजन होता है तो क्या हम यूज़ करते हैं, ओके। तो ये पूरा आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। थैंक यू।